हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का जो व्लॉग है ये हमारा ट्रैवल व्लॉग है और ये यहाँ पे हम सैंडविच का कुछ ब्रेकफास्ट लेके जा रहे हैं। सैंडविच में बटर चटनी और चीज स्लाइस ले लेंगे। सुबह की शुरुआत अगर चाय से ना हो तो मजा ही क्या। एयरपोर्ट पे जाके ब्रेकफास्ट करने का प्लान है। यस और ये हो गए लाइट्स बंद। नहीं तुम लोग ब्लैक हो, मेरा तो कलरफुल है। इट्स 3:40 इन द मॉर्निंग और हम एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। रास्ते से हम ड्राइवर भैया को पिक कर लेंगे तो वो हमें एयरपोर्ट छोड़ के वापस आ जाएंगे। सो इट विल टेक अराउंड 1 आवर, यहाँ से 1 घंटा लगेगा। अंदर डाल दे, वो अंदर चलाना है फिर। अभी फिलहाल इसमें डाल दे सब। अंदर कौवे घुसे हुए, कौवे का भी फ्लाइट है। सो फाइनली एयरपोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं हम। आपको मिला क्या टिकट? यस, मैंने इसका खाया। फर्स्ट टाइम आई है एयरपोर्ट पे, इसका एक्साइटमेंट एकदम अलग ही है। अपना टिकट देख के इतना खुश हो गई है कि क्या बताएं। आपके साथ एक फोटो खींचना है? मैंने खुद ले लिया। और मम्मा के नेल्स गिर गए थे ना, तो अभी दूसरा लगा दिया। क्या ये डॉग है, मंकी है, रैबिट है? समर कलेक्शन। दिखा दिखा दिखा। अब थोड़ी स्माइल आई है चेहरे पे, तसल्ली हुआ इसे। अभी मैं रात नहीं खाऊंगी, मैं एरोप्लेन देखने। ये लोग गोल गोल क्या घूम रहे हैं? ये दूसरी जगह जा रहे हैं अपने। सामने देख, सामने देख। अभी ऊपर जाएगी। जैसे जैसे स्पीड पकड़ेंगे ना फिर उड़ते हैं। एक जगह से नहीं उठ सकते, यहाँ से दिखेंगे नहीं क्यों उड़ रही है। कॉफी आ गई। ये क्या है मामा? ये मैंने यूट्यूब पे देखा। तो अभी हम आ चुके हैं, हमारी फ्लाइट। अब अभी मेरी फ्लाइट नहीं दिखी लेकिन मुझे एक बड़ी फ्लाइट दिखी है यहाँ पे। आपको दिखी क्या सामने इतना? अभी हम बैठ चुके हैं और मेरी सीट नंबर भी टूटू है। ये भैया लेने आया हमें। का ग्राउंड टेम्परेचर अभी 27 डिग्री है तो मतलब ये नॉर्मल ही हो गया मुंबई वालों के लिए। कोई इतना ठंडी फिलहाल यहाँ तो है नहीं, शायद शाम ढलते ढलते और रात को थोड़ी ठंडी होगी। कुछ 15-14 डिग्री रहता है। अब यहाँ से हम एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। ये हमारे अशरफ भाई है जो हमें लेने आए हैं गाड़ी में। ये यहीं से अभी हम 5-6-7 दिन हमारे साथ यहीं रहेंगे। मज़ेदार इंसान है, काफ़ी अच्छी बात है। फिलहाल 5 मिनट हुआ और काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई इनसे। मिलिट्री आपको यहाँ हर जगह दिखाई देगी। उन्होंने मेरे साथ सेल्फी खिंचाया।
अलग फील, लोग पहचानते तो अच्छा लगता है। थैंक यू ऑल फॉर योर लव। मौसम में नल में पानी आता है कि बर्फ ही पिघल पिघल जम जाता है, जम जाएगा पानी भी मुश्किल से, तो बर्फ ही पिघला पिघला के पीते हो? बर्फ ही पिघलना पड़ता है, फिर उसको गर्म करना, फिर खाने में वो सब कुछ पीने में नल वाल सारे नल के वो तो जाम जाम हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। बोलो खुश खबरी, पापा अपना गॉगल भूल गए लेकिन हम लोग लाए अपना। अच्छा इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने क्या किया कि अपना अपना गॉगल तो अपने बैग में डाल दिया हैंड पर्स में, और मेरा जो है ना वो रहेगा सूटकेस में लगेज में। तो कोई खुशखबरी नहीं है, तुम दोनों ने मिलकर खेली है चाल। राजमा चावल पसंद है ना? राजमा चावल आपको शायद में है ना भैया, राजमा चावल वगैरह मिल जाएंगे ना? सब कुछ मिलेगा सर, जो आप चाहोगे। राजमा चावल का भी रेसिपी है वो देख लेना। आपके भी सेब के एप्पल के हैं बगीचे वगैरह? हमारे पास बगीचा है मगर अभी छोटे छोटे हैं, 210 पेड़ हैं मगर अभी छोटे। जो भी पेड़ आपको दिख रहे हैं ये यहाँ के चिनार के पेड़ बोलते हैं, और इनका ऐसा है कि आप यहाँ ये काट नहीं सकते विदाउट गवर्नमेंट अथॉरिटी के। अगर आपको ये पेड़ काटना भी है फॉर एनी रीजन तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना ही पड़ेगा। चल टूटू आ जा, खाना खा लेते पहले। सुबह से होटल है, पूरी फुल है यहाँ पे यार, वेटिंग में है हम यहाँ पे भी। बोला कि 10 मिनट वेट कर लो नंबर आ जाएगा, तो खड़े हम यहाँ पे छाव में देखते हैं आ जाएगा नंबर तो बुला लेंगे। बहुत गुस्सा आ रहा है यार। देख टूटो यहाँ पे आइसक्रीम भी नहीं मिलती, खाली फोन मिलता है, सिर्फ फोन है यहाँ पे। आइसक्रीम नहीं भाई, यहाँ ठंडियों में आइसक्रीम कोई नहीं खाता है ना, आइस होता वैसे भी, खाली तो कौन मिलेगा आपको। तो अभी पूरा खाना हमने खत्म हो गया, हाथ धोने जा रहा है आइसक्रीम खाकर। आइसक्रीम खाने वाले पता नहीं कहाँ। मम्मा आइसक्रीम खिलाएगी, पापा पापा हाँ बोलेगा, अभी तो पापा पैसा ही दे रहे हैं वैसे भी, देखते हैं आइसक्रीम मिलेगी। वैसे तो यहाँ पे आइसक्रीम का आइसक्रीम हो गया है, मतलब क्रेम क्रेम हो गया आइसक्रीम। सुबह हमने लंच कर लिया है, प्योर वेज होटल थी, खाना अच्छा ही था, मतलब घर जैसा था। एंड अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स दाल लेक। हमारा आज का जो स्टे है वो होगा हाउस बोट में, तो लेट्स सी हाउ द हाउस बोट इज। कम से कम 1000 से ज़्यादा यहाँ पे हाउस बोट्स है। ये हमारी बोट आ गई जो हमें ले जाएगी हाउस बोट की तरफ। अच्छा सामान जो है वो भैया पीछे डाल रहे हैं, मैं बोला ये कहाँ हो गया, बोट निकल रही है सामान उधर ही रह गया। हाथ पकड़ मेरा, फिर टच कर ले हाथ पकड़। फिश नहीं होती पानी में यहाँ पे, अरे नहीं होती फिश बेटा। तो अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, ये हमारा बोट हाउस है मुमताज महल के नाम से। लाइन से काफ़ी सारे बोट हाउस है यहाँ पे, कम से कम 1000 से ज़्यादा ही रहेंगे। भैया छोटे छोटे क्या मच्छर है क्या? ये फूल वाले मच्छर है सर, काटते नहीं है ना, दो महीने के बाद प्यार से काटेंगे। तो ये हाउस बोट है, हाउस बोट का बेडरूम है, बहुत ब्यूटीफुल है। कुछ बताना है टूटू को, बाथरूम अच्छा लगता है? Oh my God, what the है? Then there's basin. देखो shower, देखो कितना shower, मतलब कितना बड़ा। Oh proper shower area अलग से दिया है, very nice. आप सोच नहीं सकते मुझे कितना मजा आ रहा है, पता है सेटल हो गई, मैं पापा को इसको खरीद ही दो क्योंकि मेरे को हमेशा से ऐसे बाथ टब चाहिए। और ये वाला भी बाथरूम कैसा है, नॉर्मल ऐसा खुलने वाला, एंड ऊपर से शावर और देन बाथ टब। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि बाथ टब मिला मुझे, और कुछ नहीं चाहिए था मुझे, तो मैं तो पूरी सेटल हो गई हूँ। चलो यहाँ पे 2 बेडरूम है, और कोई और भी आएगा रहने को यहाँ पे, मम्मा ने कमरे से बाहर जाने मना किया है।
तो ये बोट हाउस में हम एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पे एक स्टार्टिंग में एक लिविंग रूम है जो यहाँ ये लोग रिसेप्शन बोलते हैं इसे। हम जैसे ही थोड़ा अंदर जाएंगे, यहाँ पे इन्होंने एक डाइनिंग हॉल जैसा बनाया है। ब्रेकफास्ट और डिनर रात को यहीं पर लगेंगे। हम और अंदर जाएंगे तो यहाँ पे दो बेडरूम है। एक्चुअली कैसा है कि फुल फैमिली रहता है बोट हाउस, अगर आपको दो बेडरूम टाइप चाहिए तो। अब हमने यहाँ एक ही बेडरूम लिया है तो ये जो है वो एक बेडरूम है, किसी और को अलॉट किया जाएगा। मैं ले चलता हूँ हमारे बेडरूम की ओर। काफ़ी बड़ी बोट हाउस है ये जो है। ये हमारा बेडरूम है, ऊपर वुडन वर्क किया हुआ है, पंखे झूमर ये सब रहते हैं। यहाँ 4:52 हो गया, 5 बजे का हमें बोला है उन्होंने, तो शिकारा राइड पे जाना है। मैं तो फुल रेडी हो गया हूँ, आप ज़रा देख सकते हो ब्लैक एंड वाइट। आई थिंक इसे और 10 मिनट लगेगा। टूटू तो रेडी है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब 10-15 मिनट और पकड़ लेते हैं। ओहो, फुल शिकारा गेटअप में रेडी हो गई है। अरे वाह। So we are heading towards the shikara right now. Yes. So ये हमारा शिकारा राइड स्टार्ट हो चुका है। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है एक तरीके का ये। अभी तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, बट जो भैया शिकारा चला रहे हैं उन्होंने कहा है कि वो आगे तक लेके जाएंगे जहाँ पे व्यू बहुत अच्छा होगा। नो डाउट यहाँ से भी व्यू बहुत सुंदर है, तो आगे और भी सुंदर होगा, तो आपको हम पूरा व्यू हो सके जितना हो सके उतना दिखाएंगे। यहाँ पे बीच में डल लेक में ही ऐसे आपको 3 से 4 छोटे छोटे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जो इवनिंग स्नैक के लिए बेटर है। मैगी, पास्ता और भी काफ़ी सारे आइटम है, कोल्ड कॉफ़ी। अंदर बैठने की कोई व्यवस्था नहीं, आपको यहीं से ऑर्डर करना है, यहीं बैठ के खाना है। फॉरएवर के लिए लेना है अगर आपको। ये कुछ तो भी ज्वेलरी शॉपिंग चल रही है, यहाँ उल्टा केस चलता है। मुझे ज्वेलरी का शौक नहीं है इतना, यहाँ एक्सेसरीज का शौक है। और यहाँ 1-2 की मैगी। जिन निकालो जिन, दोनों का अच्छा। ये हुई है एक्सेसरी शॉपिंग। अच्छा लगा होगा, काफी जिद किया इसने, मुझे भी ये सब पहना दिया। थोड़ा सा अजीब लग रहा है। कैसा लगा आपको कश्मीर सर? नहीं, कश्मीर बहुत बढ़िया है, यहाँ के लोग बहुत बढ़िया है। कश्मीर सर फर्स्ट टाइम या फर्स्ट टाइम आया? कैसा लगा कश्मीर का? आज तो पहला दिन है, मजा आ रहा है। बेटा आपको कैसा लग रहा है बेटा? एक मिनट आप बोलिए बेटा अपना। बहुत अच्छा लग रहा है। आपका नाम क्या है बेटा आपका? निशा। जब वापस आप बम्बई जाओगे अपने फ्रेंड को क्या बोलोगे बेटा? तो भैया जी हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं। अपने 9 फोटो निकाले, मैं बोलूँ कितना फोटो आप चली गई है, शाम हो गई है। अब जो यहाँ नज़ारा है ना वो बहुत ही खूबसूरत है। हर जगह बोट हाउस, सिर्फ लेक ही लेक, पीछे पहाड़ियाँ। ये यहाँ का फ्लोटिंग मार्केट है, मतलब हम शिकारा में ही हैं और ये आजू बाजू शॉप्स है। मस्त पीछे सनसेट भी है। ये देखिए लेक के बीच में ही ये सारी दुकानें हैं। ओके बाय बाय। सो अब डिनर रेडी हो चुका है, वी आर गोइंग देयर फॉर डिनर। डिनर के लिए बाहर
टेबल सेट हो चुका है। तो इसी तरह से हमारा डे वन ख़त्म हुआ है श्रीनगर दाल लेक में, और बहुत ज़्यादा सुंदर एक्सपीरियंस था। अभी एक्चुअली डिनर हो चुका है, डिनर प्रॉपर ऐसे घर का खाना था। अभी बज रहे अराउंड 9:30 और सुबह से हम जल्दी उठे हुए थक चुके हैं, तो अब हम जा रहे हैं सोने। फिर हम करेंगे डे टू का व्लॉग, तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा। टिल देन बाय। और कल हम जा रहे हैं सोनमर्ग, जहाँ पे कल बोल रहे हैं कि गर्मियों में भी वहाँ बर्फ़ रहेगी, तो शायद बहुत बढ़िया व्लॉग बनेगा कल। तो स्टे ट्यून्ड।